Assalamu alaikum and welcome to the first session of Generation Y series Answering Fundamentals of Creation and Life. अगर आप एक आम को और एक नॉर्मल पत्थर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें तो आपको एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नज़र आएंगे जो कि मुसलसल हरकत में है. इस तरह दुनिया की हर चीज़, चाहे वो लिविंग बींग है या नॉन लिविंग बींग है, मुसलसल हरकत में बिकॉज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो एटम्स हैं क्या ये लिविंग बींग्स हैं या नहीं है. यानी मैटर इटसेल्फ कोई लिविंग एंटिटी नहीं है, मैटर खुद बेजान है. हमें बात समझ में आ रही है और कोई भी साइंटिस्ट इस बात को क्लेम नहीं करता कि मैटर इटसेल्फ कोई लिविंग एंटिटी है या कोई इंटेलिजेंट बीइंग है. बट द इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व कि आम के मॉलिक्यूल्स में जो हरकत है वो चार तरह के चेंजेस को प्रोड्यूस कर रही है. आम का कलर ग्रीन से येलो हुआ, आम का फ्लेवर चेंज हुआ, आम का साइज ज़्यादा हुआ और आम की शेप में भी चेंज आया. अब एक सादा सा सवाल ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो कांस्टेंट मूवमेंट है वो पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर की शेप, साइज, कलर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है. खुद आम के दरख्त में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी मुसलसल हरकत है. यानी आम के, लेकिन आम के जो पत्तों का रंग है वो चेंज नहीं होता, आम के तने का रंग चेंज नहीं होता, सिर्फ आम के अंदर चेंज है. एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना इन ऑल अदर प्लांट्स एज वेल कि वो जो सब्सटेंशियल मोशन है, हरकत है, वो सबके अंदर है, लेकिन चेंज सिर्फ वहाँ प्रोड्यूस होता है जो चीज़ें इंसान और इंसान के इकोसिस्टम के लिए फ़ायदा बख्श है. एक आम या लीमू चंद माह में ग्रीन से येलो हो जाते हैं, लेकिन एक पत्थर हज़ार साल बाद भी अपना रंग तब्दील नहीं करता. एंड वी नो दिस फैक्ट दैट एवरी अफेक्ट मस्ट नीड अ कॉज. तो ये जो चेंज का अफेक्ट आम में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पत्तों में बहुत महदूद हद तक है, जबकि दोनों के एटम्स हरकत में हैं, तो सवाल ये कि क्या मैटर और मॉलिक्यूल्स खुद इतने इंटेलिजेंट हैं कि ये तय कर रहे हैं कि मूवमेंट तो हर किस्म के मटेरियल में रहनी है लेकिन चेंज सिर्फ वहाँ प्रोड्यूस करना है जो इंसान और इंसान के इकोसिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, या कोई और ज़ात है जो हकीम है और जो आम के पत्तों को तो सब्ज रहने देती है लेकिन आम के रंग को सबसे जर्द में तब्दील कर देती है. जस्ट ऑब्जर्व दिस फिनोमेना इन योर सराउंडिंग्स. एवरीथिंग इज़ इन मोशन बट एवरीथिंग इज नॉट चेंजिंग. और जहाँ जहाँ मैटर चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ एक परफेक्ट प्लानिंग आपको नज़र आएगी. एंड थिंक अबाउट इट कि ये जो प्लानिंग है ये मॉलिक्यूल्स खुद प्लान करते हैं या कोई और ज़ात हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को खल्क करने और इन्हें प्लान करने पर कादर है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.